Hello everyone, welcome back to our channel. This reading video is going to be regarding the reading passage name High Speed High Rise. So without any delay, let's get started with our reading explanation. The first question category that we have here is list of headings. So before starting the list of headings, what we need always to do is read the paragraph, the first two lines and the last two lines of the paragraph, and we get our answer. So let's solve this reading category everyone. Question number 14, paragraph A. The answer for this is four. A building like no other की ऐसी बिल्डिंग इस बिल्डिंग जैसी कोई और बिल्डिंग है ही नहीं. पैराग्राफ ए जब हम रीड करते हैं एवरीवन, द फर्स्ट लाइंस, जैंग यू इज द फाउंडर एंड द चेयरमैन ऑफ ब्रॉड सस्टेनेबल बिल्डिंग अदरवाइज नेम है नोन एज ब्रॉड. कि जो जैंग है वो ब्रॉड नेम की कंपनी है, उसका चेयरमैन है और उसका फाउंडर है, जो उसने 1 जनवरी और 2012 को स्टार्ट की थी. उसने एक वीडियो रिलीज की ऑफ इट्स 30 स्टोरी अचीवमेंट. 30 स्टोरी अचीवमेंट मतलब 30 स्टोरी की लेवल्स की उसने एक बिल्डिंग बनाई थी. उसकी उसने एक वीडियो शो की. उसमें उसने क्या क्या शो किया जी? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैसे लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं. उसने 360 आवर्स में 100 मीटर टॉल एक टॉवर T30 खड़ा कर दिया एक एम्प्टी साइट में. तो ये क्या था, एक बिल्डिंग के ऊपर था. जो वीडियो है उसमें उनने कैमरा लास्ट में दिखाया, उसके ऊपर ब्रॉड का लोगो लगा हुआ था. सारा कुछ उन्होंने क्या बताया हमें, उस बिल्डिंग के बारे में बताया जो उन्होंने बहुत ही कम टाइम में बनाकर खड़ी कर दी थी. सो नेक्स्ट में उन्होंने यहाँ पर नीचे से फोर्थ लाइन में लिखा है कि कंपनी, फिफ्थ लाइन में, कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग इट्स टेक्नोलॉजी टू पार्टनर्स इन इंडिया, ब्राजील एंड रशिया. सो ये तीन कंट्रीज में वो कंपनी चाहती है कि वो अपने टेक्नोलॉजी को और स्प्रेड करे. वट इट इज सेलिंग, जो सबसे बड़ी ये चीज बेच रही है, इज द वर्ल्ड फर्स्ट स्टैंडर्डाइज स्काई स्केपर्स. कि ये दुनिया में सबसे पहले जो स्टैंडर्डाइज फैक्ट्री में स्काई स्केपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बनती हैं, उसको ये बेच रहे हैं. जो ये सारी की सारी बात उन्होंने किसके ऊपर की है, बिल्डिंग बनाने में ना, कंपनी के बारे में बताने में ना उन्होंने की है. सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है बिल्डिंग T30 30 स्टोरीज की वो बिल्डिंग थी. अ बिल्डिंग लाइक नो अदर, की ऐसी बिल्डिंग कोई और है ही नहीं जो इतने कम टाइम में बन गई हो. सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है पैराग्राफ ए का 4. लेट्स मूव टू पैराग्राफ बी. पैराग्राफ बी एवरीवन, हमारा आंसर है 8. फ्रॉम फैक्ट्री टू बिल्डिंग साइट, की पहले फैक्ट्री में सारा काम हुआ, फिर सीधा ही वो बिल्डिंग साइट पर जहां पर हमने उस बिल्डिंग को बनाना था वहां पर वो लेके. सो फर्स्ट लाइन्स में उन्होंने बोला है ब्रॉड हैज बिल्ड 16 स्ट्रक्चर्स. 16 उन्होंने बिल्डिंग्स बना दी है चाइना में, प्लस अनदर इन कैनकन. दे आर फैब्रिकेटेड एट टू फैक्ट्रीज. ये जो बिल्डिंग्स है वो दो फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं. रफली एन आवर्स ड्राइव फ्रॉम ब्रॉड टाउन द स्प्रॉलिंग हेडक्वार्टर्स, कि उनके हेडक्वार्टर से बस 2 घंटे का रास्ता है. द फ्लोर एंड सीलिंग्स ऑफ द स्काई स्केपर, स्काई स्केपर ऊंची इमारतों को बोलते हैं. जो उसकी फ्लोर है और जो उसकी सीलिंग है स्काई स्केपर की, आर बिल्ट इन सेक्शन, उनको हम टुकड़ों में बनाते हैं. उनकी मेजरमेंट ये होती है, इतने मीटर्स का होता है, इतना डेप्थ होती है, इतने सेंटीमीटर्स का होता है. जो पाइप्स और डक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी वाटर और वेस्ट के लिए, उनको भी हर एक फ्लोर के मॉड्यूल में लगाया जाता है. और ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, व्हाइल इट इज स्टिल इन फैक्ट्री. दैट मीन्स ये सारा काम हो रहा है लेकिन ये सिर्फ फैक्ट्री में ही बन रहा है सारा का सारा काम. फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, द क्लाइंट चॉइस ऑफ फ्लोरिंग इज ऑल्सो प्री इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप, की जो क्लाइंट ने चूज किया फ्लोरिंग वो भी हम इंस्टॉल कर देते हैं. स्टैंडर्डाइज्ड ट्रक लोड्स कैरी 2 मॉड्यूल्स ईच टू द साइट विद द नेसेसरी कॉलम्स. फिर जब उनको वो सामान चाहिए वो साइट में जहां पर हमने उस बिल्डिंग को खड़ा करना है वहां पर ले जाते हैं, फिर बोर्ड से, टूल से, कॉलम से उसको कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर. जब वो एक बार लोकेशन पर आ जाते हैं, हर एक सेक्शन को क्रेन से लिफ्ट किया जाता है और फिर बन जाती है जी हमारी एक बिल्डिंग. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या था, सारा काम फैक्ट्री में हुआ, फिर हमने जाकर सीधा उसको बिल्डिंग को एरिया में, जिस एरिया में हमें वो बिल्डिंग चाहिए थी, बस हमने वहां पर जाकर उसको कनेक्ट कर दिया, हमने टूल्स के साथ उसको जोड़ दिया. बाकी सारा का सारा जो काम है वो फैक्ट्री में हुआ. सो यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री और बिल्डिंग के बनाने की बात की है ना, दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आएगा, फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री से लेकर टू बिल्डिंग साइट तक जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया था. हमारा आंसर आ गया जी 8. पैराग्राफ सी का हमारा आंसर आ रहा है जी 2. 2 आंसर क्या है, अदर इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स, कि इसके अलावा और क्या क्या उन्होंने सक्सेस गेन किया है, और क्या क्या उन्होंने इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स ली हुई हैं, अचीव की हुई है. दैट मींस बिल्डिंग तो ये ऐसे बना ही लेते हैं और इसके साथ साथ ये कंपनी क्या काम कर लेती है. सो उन्होंने हमें पहले बताया कि जो जैंग है
उसकी सक्सेस उसकी क्रिएटिविटी की वजह से है, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या है बहुत ही डिफरेंट सा है। ही स्टार्टेड आउट एज एन आर्ट स्टूडेंट। उसने स्टार्ट कैसे किया था, एक आर्ट का वो स्टूडेंट था। जेंग लेफ्ट द आर्ट वर्ल्ड टू फाउंड ब्रॉड। फिर उसने अपने आर्ट के वर्ल्ड को छोड़ दिया और ब्रॉड कंपनी को फाइंड आउट कर लिया। फिर उसकी कंपनी स्टार्ट कैसे हुई थी, एज द मेकर्स ऑफ नॉन प्रेशराइज बॉयलर्स। पहले उन्होंने प्रेशराइज नॉन प्रेशराइज बॉयलर्स जो थे वो उन्होंने बनाने स्टार्ट किए थे। फिर उन्होंने जब बॉयलर से बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, फिर उन्होंने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, उन्होंने अपने बिजनेस में नॉन इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग करनी स्टार्ट कर दी। दैट मीन्स उन्होंने नॉन इलेक्ट्रिक एसीज बनाने स्टार्ट कर दिए। दैट मीन्स कि ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से पहले उन्होंने क्या क्या काम किया, उन्होंने एसीज बनाए थे, उन्होंने बॉयलर्स बनाए थे। सो ये सारा काम उस कंपनी ने ही किया था। दैट मीन्स कि इसके कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के अलावा उनके पास और भी बहुत सारी अचीवमेंट थी, उसमें से भी उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था, फॉर्च्यून कमाया था। सो यहाँ से इसका आंसर आ गया अदर, इसके अलावा अदर इंजीनियरिंग अचीवमेंट। सो आंसर इज टू फॉर दिस वन। पैराग्राफ डी का हमारा आंसर है जी सिक्स। सिक्स इज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन। अभी फिर उन्होंने अपनी डायरेक्शन, अपना वे, अपना कोर्स, अपना रास्ता चेंज कर दिया। लेट्स मूव टू डी पैराग्राफ एवरीवन। डी पैराग्राफ में अगर आप रीड करना स्टार्ट करो, फर्स्ट लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर 2 डिकेड्स, 20 साल तक, जैंग्स एसी बिजनेस बूम की, उसका एसी का बिजनेस बहुत अच्छा चला। बट अ कपल ऑफ इवेंट्स कॉन्स्पायर टू चेंज हिज कोर्स। लेकिन दो तीन ऐसे चीजें हो गई कि उसको अपना रास्ता, अपना वे, अपना वी कैन से फोकस, उसको अपना फोकस चेंज करना पड़ गया। फर्स्ट वॉज जैंग बिकम एन एनवायरमेंटलिस्ट। उसको लग गया कि नहीं, इससे तो एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, मुझे इसी का बिजनेस नहीं करना। सो एनवायरमेंटलिस्ट बन गया। फिर दूसरा क्या हुआ, एक अर्थक्वेक आया, ठीक है। अर्थक्वेक ने क्या किया, जो बिल्डिंग्स बहुत ही खराब वे में बनी हुई थी, उन्होंने उसको ढा दिया, कोलैप्स कर दिया, गिरा दिया। सो इन दो चीजों के कारण उसने क्या किया, उसने सोचा कि नहीं, अभी तो मुझे अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनानी है। सो ये दो चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से उसने अपना बिजनेस चेंज कर लिया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया। सो हमारा यहाँ से आंसर आ गया जी एवरीवन, डी का, विच इज सिक्स, जो है अ चेंज ऑफ डायरेक्शन। लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी, पैराग्राफ ई। इसका आंसर हमारे पास है जी थ्री, एग्जामिनिंग द ओवरऑल बेनिफिट्स। की ओवरऑल अगर आप बिल्डिंग ये कंपनी की बात कर रहे हो, ओवरऑल बेनिफिट्स, हमें एक्चुअल में बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। लेट्स मूव एवरीवन टू द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में सिर्फ एडवांटेजेस एडवांटेजेस पॉजिटिव बेनिफिट्स की ही तो बात की है उन्होंने। ई पैराग्राफ में अगर आप सभी मूव करते हो लाइन नंबर 4 में, आपको मिलेगा वहां पर, फॉर जैंग द एनवायरमेंटल सेविंग अलोन जस्टिफाई द एफर्ट। कि जो उसने इतना एफर्ट किया, इतनी बड़ी अपनी कंपनी स्टैब्लिश किया है, जो हम एनवायरमेंट को सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो ही बहुत है उस कंपनी को आगे फॉरवर्ड लेकर जाने में। अकॉर्डिंग टू ब्रॉड्स नंबर, अगर आप नंबर्स की बात करो कि कितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया, कितना नहीं अर्न किया, ट्रेडिशनल हाई राइज विल प्रोड्यूस्ड अबाउट 3,000 टन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। कि अगर आप पुराने वे से बिल्डिंग बनाओ तो आपको 3,000 टन का सिर्फ वेस्ट, गार्बेज ही प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर आप ब्रॉड की बिल्डिंग के वे में बनाओ तो सिर्फ 25 टन जो कचरा है, मलबा है, वो बन रहा है। दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट सेव हो रहा है, इतना ज्यादा हम पॉल्यूशन ही मचा रहे हैं। ट्रेडिशनल बिल्डिंग में 5,000 टन वाटर लगता है बनाने में, और ब्रॉड की बिल्डिंग में पानी ही नहीं लगता। सो ये भी हमें बेनिफिट मिल रहा है। बाकी एरियाज में जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो डेंजरस है, लेकिन ब्रॉड के मामले में ये डेंजरस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो एलिवेटर सिस्टम है, जो हमने बेस बनाना है, रेल बनाना है, मशीन रूम बनाना है, ये सारा का सारा जो भी काम मुश्किल भरा है, डेंजर भरा है, वो सारा का सारा काम ही फैक्ट्री में हो रहा है, जिसकी वजह से कोई इंजरी का चक्कर ही नहीं है। दैट मीन्स कि कोई भी चोट लग ही नहीं सकती। सो ये सारे क्या थे हमारे पास, बेनिफिट्स। तो इससे हमारा आंसर आ गया ओवरऑल बेनिफिट्स वाला, हमारे पैराग्राफ जो था ई का, विच इज थ्री। थ्री आंसर क्या है, एग्जामिनिंग द ओवरऑल बेनिफिट। सो हमारा आंसर आ गया थ्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो है, दैट इज डायग्राम कंप्लीशन। हमारे पास 1 वर्ड की लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 19 में उन्होंने हमें पॉइंट आउट किया है इस पर्टिकुलर एरो की तरफ। फिर उन्होंने बोला है, पाइप्स और डक्ट्स इंस्टॉल किए जाते हैं वाइल इन डैश। की पाइप और डक्ट्स तो हम लगा देते हैं जब वो कहीं पर होते हैं। पाइप और डक्ट्स कहाँ पर होते हैं, हमने ये चीज बतानी है। इसका आंसर जी फैक्ट्री। पाइप्स और डक्ट्स हमने कीवर्ड अपना फाइंड आउट करना है। लेट्स फाइंड आउट द कीवर्ड पाइप्स एंड डक्ट्स, जो हमने बी पैराग्राफ में पढ़ा था। अगर आप लाइन नंबर 4 का लास्ट वर्ड देखो, आपको मिल जाएगा पाइप्स। पाइप्स एंड डक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड वेस्ट आर थ्रेडेड। वो कनेक्ट किए जाते हैं
थ्रू ईच फ्लोर, मॉड्यूल फ्लोर में वो लगाए जाते हैं, कसे जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, व्हाइल जबकि इट इज स्टिल इन द फैक्ट्री, जब वो अभी भी फैक्ट्री में है लेकिन फिर भी हमने उनको कनेक्ट कर दिया। हमें पूछा गया था पाइप्स और डक्ट्स कहाँ पर है, वो कहाँ पर थे, इन द फैक्ट्री, और हमारे पास वन वर्ड की लिमिट थी, हमारा आंसर आ गया जी फैक्ट्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th में उन्होंने हमें इस पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट किया है, उन्होंने बोला है डैश चूजन बाय द कस्टमर, कोई चीज है वो कस्टमर ही उसको चूज कर रहा है और कोई नहीं चूज कर रहा, कस्टमर चूज कर रहा है, कस्टमर कौन है, हमारा क्लाइंट। तो हमने बी पैराग्राफ में वर्ड क्लाइंट पढ़ा था जो हमारा सिनोनिम था कस्टमर का। एवरीवन जहां से हमने छोड़ा है फैक्ट्री की बात, उसके बाद ही आप रीड करो, लाइन नंबर 6 से रीड करो, द क्लाइंट्स चॉइस, दैट मींस कस्टमर की चॉइस, कस्टमर की चॉइस की फ्लोरिंग इज आल्सो प्री इंस्टॉल्ड, जो कस्टमर चाहता है उसी टाइप की फ्लोर भी हम ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी फ्लोरिंग, आप फ्लोरिंग भी लिख सकते हो, आप फ्लोर ही लिख सकते हो, और कस्टमर की, क्लाइंट की चॉइस की ही हमने ऐड ऑन किया है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 20th का फ्लोरिंग। लेट्स मूव टू 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि कोई चीज डायगनली हो रही है, ये ऊपर भी और नीचे भी, डायगनल ब्रेसिंग एट टॉप एंड बॉटम ऑफ डैश, की टॉप पे भी और बॉटम में भी कोई चीज डायगनली हो रही है, बॉटम और टॉप के ऊपर, लेकिन किस चीज का बॉटम और टॉप है, आंसर है इसका जी कॉलम, कॉलम का टॉप और बॉटम था। लेट्स फाइंड आउट टॉप और बॉटम और डायगनल ब्रेसिंग की बात कहां पर हुई है। बी पैराग्राफ में एवरीवन मूव कीजिए आप, बी पैराग्राफ में आपको यहाँ पर वर्ड टॉप मिलेगा लेकिन यहाँ पर डायगनल ब्रेसिंग नहीं है। फिर हमें एवरीवन बी पैराग्राफ की नीचे से फोर्थ लाइन में यहाँ पर मिला द यूनिक कॉलम डिजाइन हैज डायगनल ब्रेसिंग, की जो यूनिक सा एक अद्भुत सा कॉलम का डिजाइन है उसके पास क्या है, डायगनल ब्रेसिंग है, कहाँ पर, ईच एंड्स, एंड्स मतलब टॉप एंड बॉटम ना, टॉप एंड बॉटम पार्ट पर डायगनल ब्रेसिंग है, लेकिन डायगनल ब्रेसिंग है किसके ऊपर, डिजाइन के ऊपर तो हो नहीं सकती, यूनिक के ऊपर नहीं हो सकती, हमारा आंसर आ गया जी कॉलम, कॉलम के ऊपर डायगनल ब्रेसिंग हो रखी है। सो कॉलम इज अवर आंसर फॉर द 21st क्वेश्चन। लेट्स मूव एवरीवन टू 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन में सेक्शन कंटेन लेस डैश देन कन्वेंशनल बेयरिंग, कन्वेंशनल का मतलब होता है जो पुराना ट्रेडिशनल, ये जो सेक्शन है इसमें कोई चीज कम यूज हो रही है पुरानी बिल्डिंग के कंपैरेटिवली। अभी पुरानी बिल्डिंग का कंपैरिजन बी पैराग्राफ में तो हुआ नहीं था, सी पैराग्राफ में उनके बिजनेस की बात हुई थी कि इन्होंने और कौन सा बिजनेस किया है, तो हमने मूव करना था जी डी पैराग्राफ में, डी पैराग्राफ में पुराने बिल्डिंग की बात हुई थी क्योंकि अर्थक्वेक वगैरह से जैसे उसको इंस्पिरेशन आई थी उसकी बात हुई थी। डी पैराग्राफ की एवरीवन आपने रीड करना है जी लास्ट थर्ड लाइन से, वाइल लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हैड टू बी डिफरेंट, कि जो स्ट्रक्चर बहुत भार उठा रहे हैं उनको डिफरेंट बनाने पड़ेगा टू रिड्यूस द ओवरऑल वेट, अगर हमने वेट को कम करना है बिल्डिंग का, इट यूज्ड लेस, इसने कोई चीज कम यूज की, कम कंक्रीट इन द फ्लोर्स, इसने फ्लोर्स में कम कंक्रीट यूज की। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी कंक्रीट, उन्हें भी पूछा था कोई चीज हमने लेस यूज किया है, कंटेन किया, आंसर है इसका कंक्रीट। आई होप आपको डायग्राम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ, दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज, इसमें हमारे पास टू वर्ड्स के लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 23, जैंग रेफर्स टू हिज बिजनेस एज अ डैश, कि जैंग बोले कि मेरा बिजनेस कुछ है, क्या है वो, दैट इज अ स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन। एवरीवन लेट्स मूव टू द फर्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ ए में अगर आप मूव कीजिए, ए पैराग्राफ में लास्ट लाइन आपको रीड करनी है, जैंग रिप्लाइज, जैंग ने रिप्लाई क्या किया, इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, तो फिर क्या है, क्या इट इज अ स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन, उसकी कंपनी क्या है, उसकी कंपनी एक स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट प्रोडक्ट्स ब्रॉड मैन्युफैक्चर्ड वर, जो पहले प्रोडक्ट, जो पहला सामान ब्रॉड ने बनाया था वो कौन सा प्रोडक्ट ब्रॉड ने बनाया था, आंसर है जिसका बॉयलर्स या फिर नॉन प्रेशराइज्ड बॉयलर्स, क्योंकि ब्रॉड की जो कंपनी थी वो स्टार्ट ही तब हुई थी ना, क्योंकि हमें, हमने सी पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि और कौन सा इसने काम किया था। सो सबसे पहले लाइन नंबर 3 में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ब्रॉड को फाइंड आउट किया, कंपनी स्टार्ट कैसे हुई थी एज अ मेकर, उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, क्या बनाना स्टार्ट किया सबसे पहले, नॉन प्रेशराइज्ड बॉयलर्स। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी बॉयलर्स या नॉन प्रेशराइज्ड बॉयलर्स, कि उन्होंने ये चीज को सबसे पहले बनाना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 25, इन लेट 80s, जब लेट 80s की बात आती है, डैश वर होल्डिंग बैक इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इन चाइना, चाइना में इंडस्ट्री प्रोग्रेस डेवलपमेंट हो नहीं पा रही थी,
कौन सी चीज थी जो उसको होल्ड बैक, पीछे पकड़ कर रख रही थी उसके प्रोग्रेस को, उसको डेवलप नहीं होने दे रही थी चाइना को, हमने बताना उस चीज का ना। इसका आंसर है जी पावर शॉर्टेजेस, जो पावर की कमी है उसकी वजह से चाइना जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। एवरीवन सी पैराग्राफ में जहां से हमने रीड किया था, अगर आप रीड करो नीचे से 6 लाइन, वहां पर लिखा है द एंड ऑफ द डिकेड। सो 1980s की बात हो रही है, एंड ऑफ डिकेड की बात हो रही है, फिर उन्होंने चाइना की बात किया। चाइना की इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही थी नेशन के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में, पावर शॉर्टेजेस वर बिकमिंग अ सीरियस ऑब्स्टेकल टू ग्रोथ, लेकिन उसके ग्रोथ के वास्ते, उसके प्रोग्रेस के वास्ते कोई चीज ऑब्स्टेकल, मुश्किल बन रहा था। वो मुश्किल क्या थी? पावर शॉर्टेजेस। तो यहां से हमारा आंसर आ गया जी पावर शॉर्टेजेस, टू वर्ड्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एडिशन टू पावर एंड कॉस्ट बेनिफिट्स, कि पावर और कॉस्ट के तो बेनिफिट मिल ही रहे हैं, एसी ब्रॉड एसी यूनिट्स इंप्रूव डैश, कि कॉस्ट और पावर तो उसने बेनिफिट दे दिया एसी ने, ब्रॉड के जो एसी के यूनिट्स हैं उन्होंने और क्या, किस चीज को एसी ने और किस चीज को इंप्रूव किया? इसका आंसर है क्लाइमेट कंट्रोल, क्योंकि एसी की बात अभी तो सिर्फ ना सी पैराग्राफ में हुई है, मेरा आंसर काफी इजी होने वाला है। सो यहाँ पर नीचे से 5th लाइन, एवरीवन लार्ज एयर कंडीशनिंग यूनिट्स फ्यूल्ड बाय नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के ऊपर वो काम कर रहे हैं, कुड हेल्प कंपनीज ईज देयर इलेक्ट्रिसिटी लोड, कि उन जो कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का भार पड़ा हुआ है, लोड पड़ा हुआ है, उसको वो ईज कर रही है, कम कर रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी लोड कम हो गया, रिड्यूस ओवरहेड, जो उनको उतना पैसा पे करना पड़ रहा है उन्होंने उसको भी रिड्यूस कर लिया, दैट मीन्स कि उनको फाइनेंशियली भी मनी के मामले में भी थोड़ी राहत मिल गई, और उन्होंने क्या एंजॉय किया, एंजॉय मोर रिलायबल क्लाइमेट कंट्रोल, और उनका क्लाइमेट भी कंट्रोल में आ गया। क्वेश्चन में भी लिखा था इलेक्ट्रिसिटी और जो मनी है उसके अलावा हमें कॉस्ट के अलावा और कौन सा बेनिफिट मिला जी, और हमें बेनिफिट मिला था क्लाइमेट कंट्रोल का। सो क्लाइमेट कंट्रोल इज अवर आंसर फॉर द 26th क्वेश्चन। दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन, आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ लगा आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो, एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।